हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से कृषण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ नवंबर के माह में बोई जाने वाली सब्जियाँ। जी हाँ किसान भाइयों, नवंबर के महीने में अक्सर हमारे किसान भाई काफ़ी सारी सब्जियाँ उगाते हैं, लेकिन जो हमारे किसान भाई अगेती सब्जियाँ करते हैं वह अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में काफ़ी सारी सब्जियाँ लगा चुके हैं और उनकी तैयार भी हो रही हैं और तैयार हो चुकी हैं। जैसे कि गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई और भी काफ़ी सारी, जैसे धनिया, पालक, सोया मेथी, वो दोस्तों हमारे किसान भाई जो अगेती खेती करते हैं वो काफ़ी कर चुके हैं और कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस टाइम हमारे जो किसान भाइयों के खेत खाली पड़े हैं, यानी कि दोस्तों धान की कटाई चल रही है और इस टाइम दोस्तों हमारे किसान भाइयों के जो खेत खाली पड़े हैं तो उन खेतों में दोस्तों अक्सर हमारे किसान भाई गेहूँ की खेती करते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुछ चुनिंदा ऐसी फसलें और सब्जियाँ बताऊँगा जिनको अगर आप अपने खेत में सही समय पर लगा देंगे तो आगे आने वाले टाइम पर दोस्तों जब ये तैयार होकर मार्केट में जाएंगे और दोस्तों जो तैयार होंगी तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देके जाएंगे और गेहूं से काफ़ी ज़्यादा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए ये खास वीडियो, वीडियो में बने रहिए और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं और फॉलो करते हैं। तो दोस्तों देखिए खास वीडियो। तो किसान भाई, इस वीडियो में सबसे पहले मैं अपनी खेती करने का तरीका बताऊंगा कि दोस्तों मैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में कौन सी सब्जियां लगाता हूं जिससे हमें आगे आने वाले टाइम पर काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। क्योंकि किसान भाई, सभी किसानों की रिक्वायरमेंट रहती है कि हम दोस्तों अपने खेतों में ज़्यादा से सब्जियाँ लगाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएँ। तो ऐसे में दोस्तों हम अपने खेतों में, ये दोस्तों हमारा जो है खेत है लगभग 1 हेक्टेयर के करीब इधर से उधर तक दोस्तों, और हम अपने खेतों में मल्टीपल वेजिटेबल लगाते हैं जिससे हमें दोस्तों एक सब्जी से अगर रेट सही नहीं मिलता तो दूसरी सब्जी से अच्छा रेट मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आइए जानते हैं अपने खेतों में सबसे पहले कौन सी सब्जी लगा रखी है अक्टूबर से नवंबर के महीने में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये अभी शुरुआती अक्टूबर में लहसुन की बुआई करी थी और इसका जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों इंटीग्रेटेड में धनिया की भी रोपाई करी है जिससे होगा है दोस्तों लहसुन के साथ साथ दोस्तों कुछ इनकम जो है धनिया से हमें प्राप्त हो जाएगी जिससे खाद और बीज लेने में आसानी हो जाती है दोस्तों। और कभी कभी धनिया का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है तो इससे सीड की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा इस साल जो लहसुन का रेट रहा है काफ़ी ज़्यादा महंगा रहा है, तो जो किसान भाई जिनके पास सीड नहीं था तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन हमारे पास जो हर साल लहसुन की बुआई करते हैं तो सीड था, तो हमने अपने ही सीड से बुआई करी है तो हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले लहसुन की बुआई करी है, उसी के साथ इंटीग्रेटेड में धनिया है और दोस्तों इसी धनिया में कहीं कहीं सोया भी थोड़ी मात्रा में बुआई कर रखी है और मेथी भी। और दोस्तों ये जो बेड है, बेडों पर दोस्तों हमने पत्ता गोभी लगा रखी है, आप देख ही सकते हैं। और दोस्तों ये अभी लगभग 20 से 25 दिन की रोपाई हो गई है और दोस्तों 1-1.5 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी लगभग। दोस्तों ये वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है 60 दिन में, तो ये दोस्तों अभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। और दोस्तों जब ये हार्वेस्ट हो जाता है, ये जो नाली जैसी दिख रही है इसी में दोस्तों हम गिलकी की बुआई कर देते हैं अगेती, और दोस्तों ये कुछ दिन के लिए पड़ी रहती है। और जब लहसुन की हार्वेस्टिंग हो जाती है तो दोस्तों सबसे पहले हमारी गिलकी खेत से निकलने लगती है और उसका रेट काफ़ी ज़्यादा हमें मिलता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों आप दूसरी कौन सी फसल लगा सकते हैं जो हमने अपने खेत में लगाई है अभी लहसुन के साथ। दोस्तों हम काफ़ी सारी इंटीग्रेटेड सब्जियां लगाते हैं। अब यहां पर दोस्तों हमने इंटीग्रेटेड में लहसुन के साथ चिली लगा रखी है। अब दोस्तों देख ही सकते हैं यहां पर जैसे चिली हमने लगाई है और लहसुन की हार्वेस्टिंग होने के बाद दोस्तों ये चिली अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती है और समय के पहले दोस्तों ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है, जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों एक टाइम पर दो फसलें हो जाती हैं और ये फसलें काफ़ी लंबी समय तक चलती हैं। जैसे दोस्तों लहसुन की हार्वेस्टिंग हो गई और दोस्तों ये मिर्च जो है तैयार हो जाएगी लास्ट फरवरी तक और उत्पादन देना शुरू कर देती है, और दोस्तों ये लगभग जून जुलाई तक आपको मार्केट में मिर्च तैयार रहती है। तो ऐसे में दोस्तों इंटीग्रेटेड में लहसुन के साथ अगर आप लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो मिर्च की खेती कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपने खेत में लगा रखी है। दोस्तों पूरे खेत में एक तरीके की फसल नहीं लगाते हैं और ये पूरे खेत में दोस्तों मल्टीपल वेजिटेबल करते हैं जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा उत्पादन मिलता है। दोस्तों ये जानकारी आपको अगर अच्छी लग रही हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ हमने और कौन सी सब्जियां लगा रखी हैं। अब यहां पर किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि हमने पालक की इंटीग्रेटेड में बैंगन के साथ रोपाई करी है, यानी कि किसान भाइयों इधर दोस्तों ये बैंगन लगा रखा है और ये बैंगन, और इसी के बीच में इंटीग्रेटेड में पालक लगा रखी है। ये दोस्तों पालक एक महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, और दोस्तों बैंगन जो है अगर दोस्तों सर्दियां कम पड़ी तो बैंगन का उत्पादन दोस्तों लास्ट दिसंबर के पहले दोस्तों या दिसंबर के शुरुआती महीने में कुछ उत्पादन मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद दोस्तों जब वही लास्ट फरवरी होगी तब ये बैंगन का जो है उत्पादन मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये 3-4 महीने जो बीच में खाली पड़े रहते हैं इस टाइम, और बैंगन का जो रेट रहता है उस टाइम यानी कि लास्ट फरवरी में, तो सारी भरपाई 3-4 महीनों की ये बैंगन अकेले ही निकाल देता है। तो ऐसे में दोस्तों आप कुछ मात्रा में 4 या 5 बिस्वे में दोस्तों आप बैंगन की भी रोपाई कर सकते हैं कुछ हमारे इस प्रकार से जो हमने अपने खेतों में लगा रखी है। अब दोस्तों बात करते हैं नवंबर के महीने में आप और कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। जैसा कि किसान भाई हो हमारे किसान भाई अगेती गोभी की खेती करते हैं, जैसे कि अगस्त हो गया सितंबर हो गया, तो इन महीनों में काफ़ी सारे हमारे किसान भाई गोभी की खेती कर चुके हैं और उनकी तैयार होकर मार्केट में आ रही है अभी। तो दोस्तों अगर आप इस टाइम गोभी की रोपाई करते हैं तो लगभग ये भी 80 दिन में लगभग पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी मार्केट में जाने के लिए। तो इस टाइम जो हमारे किसान भाइयों की गोभी आ रही है तो उस टाइम के लिए दोस्तों बचेगी नहीं, तो उस टाइम भी गोभी का रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा मार्केट में, क्योंकि दोस्तों गोभी एक ऐसी फसल है जो कम समय में कटाई करने के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि दोस्तों बहुत जल्दी काटनी पड़ती है और खेत खाली हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमारे किसान भाइयों को गोभी का रेट हमेशा ही अच्छा मिलता है मार्केट में और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं गोभी को। तो दोस्तों इस टाइम आप अपने खेतों में गोभी की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। और दूसरी जो हमारी फसल है वह आप इस टाइम टमाटर की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि किसान भाई हमारे जो किसान भाई अगेती टमाटर की बुआई कर रहे हैं उसी तरीके से दोस्तों जैसे कि अगस्त महीने में या जुलाई या अगस्त महीने में दोस्तों जो किसान भाई हमारे रोपाई कर रहे थे तो उनका टमाटर इस टाइम मार्केट में आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों टमाटर का रेट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और दोस्तों आने वाले टाइम पर दोस्तों या लगभग दिसंबर में तैयार होगा और इसका रेट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, और दोस्तों लगभग या अप्रैल मार्च अप्रैल के बाद तक इसका उत्पादन मिलता है। बीच में दोस्तों जब ज़्यादा सर्दियां पड़ने लगती हैं तो उस टाइम दोस्तों फुल ड्रॉप होने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं फसल पर। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों आप अगर चाहें तो आप अपने खेत में इस टाइम टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों काफ़ी सारी सब्जियां हैं इस महीने में बुआई करने के लिए, लेकिन किसान भाई जो हमारे अगेती खेती करते हैं उनकी काफ़ी सारी सब्जियां मार्केट में आ रही हैं, जैसे कि मिर्च हो गया, पालक, शिमला मिर्च दोस्तों, धनिया, सोया मेथी। तो अगर आप करना चाहते हैं गाजर, मूली, टमाटर, मटर, कोई भी आप अपने खेत में फसल लगा सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप कोई खड़ी फसल या लंबे समय तक चलने वाली फसल इस टाइम लगाएंगे जैसे कि मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया, अचारी मिर्च हो गया या बीन्स हो गया, कोई भी अगर फसल लगाते हैं तो दोस्तों आपको उत्पादन लास्ट दिसंबर से मिलेगा, और फिर बाद में दोस्तों जनवरी व फरवरी में काफ़ी ज़्यादा सर्द पड़ती है तो उस महीने में भूल जाओगे हमें कोई उत्पादन मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो पालक के साथ इंटीग्रेटेड में कोई फसल लगा सकते हैं, सोया, धनिया, मेथी के साथ तो इंटीग्रेटेड में फसल लगा सकते हैं, जैसे कि हमने दोस्तों इस टाइम बैंगन की रोपाई करी है इंटीग्रेटेड में और दोस्तों धनिया के साथ, और दोस्तों हमने मिर्च की खेती कर रखी है इंटीग्रेटेड में। अगर आप चाहते हैं तो आप इस टाइम ऐसे खेती कर सकते हैं। और किसान भाई आप तो जानते हैं कि हमने अगस्त महीने में, सितंबर अक्टूबर महीने में काफ़ी सारी सब्जियां लगाई, जैसे कि मटर हो गया, पत्ता गोभी हो गया, शिमला मिर्च हो गया या गाजर हो गई, मूली हो गई, शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, काफ़ी सारी सब्जियां दोस्तों हमारे किसान भाई लगा चुके हैं और उनकी तैयार होने की कगार पर दोस्तों इस अभी एक महीने या एक इसी महीने में दोस्तों सबकी फसलें अधिकतर तैयार होकर मार्केट में आने लगी। तो इस टाइम अगर आप ये सब्जियां तैयार करेंगे, अगर आपके खेत खाली हैं तो ही तैयार करें, नहीं तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे किसान भाई अगेती खेती में ये सारी सब्जियां लगा चुके हैं। अगर आप इस टाइम बीन्स की खेती करना चाहते हैं तो आप बीन्स की खेती कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको उत्पादन लास्ट फरवरी से ही या फिर शुरुआती फरवरी से ही देखने को मिलेगा, लेकिन उस टाइम इसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और लगभग या दोस्तों 2-2.5 महीने आराम से इसकी तोड़ाई मिलती है, 3-4 तोड़ाई आराम से मिल जाती है। तो दोस्तों ऐसे में आप बीन्स की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मत समझिए कि बीन्स की खेती से हमें पहले ही उत्पादन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों सर्दियां आने जाने लगती हैं और फूल काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होने लगते हैं।
किसान भाई आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम भी अपने खेतों में खेती करते हैं और दोस्तों आपको ऐसी जानकारी कोई भी नहीं दे पाएगा शायद। तो किसान भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।